चल जा बाबा, तू जा पहले आगे यार, बहुत जल्दी पड़ी थी इसको। गाड़ी को लाहौर जाना है, इसको लाहौर जाना होगा। जो हमारी आंखें देख रही है ना, शायद ही आप लोग देख पाओ, बहुत अमेजिंग चीज है। और एकदम बिल्कुल सीधा ट्रैक पे जा रहे हैं। तो भाई जब आगे मुझे दिख रहा है ना पाकिस्तान का गेट, ये देखो आगे एकदम पाकिस्तान का। सो गाइज, अभी मैं आया हूँ नरवाल में, और यहाँ पे मुझे काम है पोस्ट ऑफिस नरवाल, क्योंकि मुझे एक पार्सल स्पीड पोस्ट करवाना है। उसके बाद मुझे जाना है सीधा छन्नी, वहाँ से लेना है दोस्त को साथ, और फिर एक अमेजिंग सी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मैं आज तक नहीं गया हूँ जम्मू में। तो यहाँ पे मेरा काम नहीं हो पाया, नरवाल में पोस्ट ऑफिस तो है बट यहाँ से स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं। अब मुझे किसी और पोस्ट ऑफिस पे जाना पड़ेगा, गांधीनगर साइड या छन्नी में। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त को ले लेता हूँ साथ। हम जैसे सिग्नल पे पहुंचते हैं तो सिग्नल ग्रीन, ये है अपनी पावर। अभी ये तीसरा के चौथा सिग्नल आया है मेरे रास्ते में, बट जैसे मैं पहुंचता हूँ एक दो सेकंड रहते हैं, और कभी कभी जैसे मैं पहुंचता हूँ एकदम से सिग्नल रेड। तो टाइम टाइम की बात है। और ये देखो यार, क्या करना है, नहीं खोलेंगे। तो भाई हम ऐसे ही तंग करते हैं अपने दोस्तों को। क्या हाल है आपके? बढ़िया। हमारे हाल बिल्कुल मस्त है। और आपके सभी यूट्यूबर कैसे? सब मस्त सर। ये है हमारे आमिर भाई, और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देख के लग ही रहा होगा बंदा कितना डेंजरस है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा डेंजरस हूं मैं, मेरे से कोई नहीं डरता। एक कैमरा पकड़ के रखो। तो अब निकलते हैं, हमने सबसे पहले एक स्पीड पोस्ट करवाना। तो भाई लोग, बड़ी मुश्किल से मिला स्पीड पोस्ट, वो भी ग्रेटर कैलाश में। और अभी मैं ये ग्रेटर कैलाश में हूँ, और अभी यहाँ से निकलना है हमने सीधा विक्रम चौक, और वहाँ से साथ में लेके जाएंगे आज जर्नैल पाजी को। पहुँच गए हम विक्रम चौक, और बस अभी जर्नैल पाजी को बुला लेते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं हम पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। यस यस, फुली लोडेड गाय। हेलो सर, ठीक हो? तो भाई लोग, इनका तारुफ करवाने की तो जरूरत है नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। पहले व्लॉग में देख ही लिए होंगे। जनरल पाजी जी, जी आपका वेट कर रहे थे कि आप बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं आज। आज हमने जो एक्चुअल प्लान करा वो हमने सुचेतगढ़ बॉर्डर, वहाँ पे जाएंगे और हम नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, और हम लोगों को ये बताएंगे कि भाई हमें आप लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वी आर नेशनलिस्ट। ओके, और मैंने सुना है ये रास्ता पाकिस्तान की तरफ भी जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो ये रहा एयरपोर्ट जम्मू, और अभी हम निकल रहे हैं सीधे आरसपुरा वाली रोड पे। अभी हम पहुंच गए हैं मीरा साहिब, और ये जो भी आप जगह देख रहे हो मार्केट, ये पूरा है मीरा साहिब का। ये पुलिस स्टेशन मीरा साहिब का, और ये आ गया पुलिस स्टेशन मीरा साहिब, और काफी अच्छी खासी मार्केट है यहाँ पे। यहाँ से जनरल बाजी आरसपुरा कितना होगा आगे? आरसपुरा आई थिंक 8 से 10 किलोमीटर। और ये मेन प्रॉपर आरसपुरा है, और ये मार्केट है आरसपुरा का। मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में आरसपुरा में आया हूँ। हालांकि ये जम्मू से इतना दूर नहीं है, बट कभी काम नहीं पड़ा तो आए नहीं। और आज जनरल बाजी हैं हम में जो पहले भी आए हैं यहाँ पे, बाकी मैं और आमिर भाई हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। यहाँ से रिस्क लेना हमने गाड़ी का निकालने का। बाबा अगर गाड़ी गई ना नीचे, मैं तेरी मशीन शीशीन उठा के ना पीछे फेंक देनी है। अरे बाप रे, आगे तो निकल गए। और भाई यहाँ पे जो खेत है ना, ये देखो आपको फील आई है यार, सच में पिंड वाली जो फील है ना वो आ रहा है यहाँ पे। और ये देखो मंजे, देखो यार। हेलो, इनको बोलते हैं यहाँ पे बेंसे, मंजे। और अभी हम जा रहे हैं सीधे लाहौर की तरफ। ये जो रास्ता है ये जाएगा सीधा लाहौर,
और रास्ते में आता है एक सुचेतगढ़ बॉर्डर, अभी हम वहाँ पे रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, वैसे टाइम कम है, अगली बार देखेंगे। जुनैल पाजी कैसा लग रहा है यहाँ पे पिंड देख के? भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे ना सचमुची हम लाहौर वो पंजाब वैसे की वैसे ही जगह पे हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो एक्चुअल पंजाब है वो उधर का ही पंजाब है और इधर जो पंजाब है वो बहुत कम है। एकदम प्लान और बीच में जो आप चीजें देख रहे हो ना, मतलब खेत इतने बड़े बड़े और बीच में मंजे और मतलब अलग ही स्वैग है यार जगह। ये देखो पापा की परियां चार चार बैठे हैं एक एक स्कूटी पे। चल जा पापा तू जा पहले आके यार, बहुत जल्दी पड़ी थी इस गाड़ी को लाहौर जाना है, इसको लाहौर जाना होगा और यार बहुत जल्दी पड़ी है। बट दिखाना हमने ये है कि ये देखो यार व्यू देखो, और इतना वाइड है बताएं क्या आपको, मतलब जो हमारी आंखें देख रही है ना शायद ही आप लोग देख पाओ, बहुत अमेजिंग चीज है। और एकदम बिल्कुल सीधा ट्रैक पे जा रहे हैं, टाइम इतना नहीं था, भूख भी लग रही थी, बट इस जगह पे ना मतलब हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे आओ और इस जगह पे ना रुको, क्योंकि यार यहाँ का जो व्यू है ना मतलब पैसे तो उसी के हैं भाई। जनरल पाजी अपने आप को रोक ही नहीं पाए भाई, हम रोक ही नहीं पाए कि हम यहाँ पे ना रुके। और जो आप पीछे मेरे व्यू देख रहे हो ना भाई लोग, मतलब जीना तो यहीं पे है यार, पैसा वसूल है। और ये देखो यार कितने हरे भरे खेत हैं और बहुत मस्त प्लेस है। और जो ये रोड है ना एकदम पूरा सीधा प्लान रोड है, और कहा जाता है कि पहले जमाने में यहाँ से ट्रैक होता था रेलवे ट्रैक। एग्जैक्टली exactly. और इसको इसका लोकल नाम है जगह का नाम पटरी कहते हैं इसको, और पटरी हाँ क्योंकि यहाँ पे रेलवे ट्रैक होता था पूरा यहाँ से लाहौर, जम्मू से लाहौर का। और अभी बस मेरे सामने ये आ गया सुचेतगढ़ बॉर्डर, अब वहाँ पे जाके कैमरा अलो होगा मुझे लग रहा होगा। और ये सामने आप देख लो ये आ गया लास्ट बॉर्डर, यहाँ से एंटर होना है हमने सुचेतगढ़ में, और इस रोड को कहते हैं सेंटर रोड आई थिंक, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और ये है बॉर्डर पॉइंट जहाँ से हमने एंटर होना है यहाँ पे, और आगे कैमरे की क्या कुछ रहती है डिटेल वो आपको आगे देंगे, और क्या कुछ देख पाएंगे, क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितना आगे जा पाएंगे, ये सब आपको आगे वीडियो में प्रॉपर मिलेगा। और चलते हैं गाड़ी कहीं पार करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आके पता चला कि हम अकेले नहीं आए, ये जितनी भी आप गाड़ियाँ देख रहे हो और फुल ये जगह टूरिस्ट से भरी हुई है। और अभी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, पहले कुछ खा पी लेते हैं। जनरल पाजी क्या खाएं यहाँ पे भाई? अभी जो भी मिल जाए बस पेट में, जो कुछ मिल जाए बस पेट में जाना चाहिए। जगह देखो यार, मतलब आप जगह देख लो, डेकोरेट करके रखी हुई है अच्छी खासी, इतना है कि भूख लगी है लेकिन जगह देख के भूख भी मिट गई भाई। हम इसको बेयर कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो जगह देख के ज्यादा भूख बढ़ रही है। यह है दावत, और आज दावत के रेस्टोरेंट पे हैं हम आज। तो भाई सुचेतगढ़ में एक ही रेस्टोरेंट मिला हमें, दावत रेस्टोरेंट, और यहाँ पे मिले हैं अपने भाई, क्या नाम बताया? सुनील कुमार। सुनील कुमार भाई मिले हैं और यही बताएंगे यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सर क्या क्या मिलेगा यहाँ पे खाने सर, के लिए? हमारा यहाँ पे दावत रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमारा जो राइस चावल है अच्छा, बासमती चावल जो हमारे जेएनके में फेमस है, आरसपुरा के, आरसपुरा का अपना लोकल बासमती राइस, लोकल बासमती राइस है, बहुत अच्छा, काफी ज्यादा फेमस है। और उसके साथ पनीर पकौड़ा मिलेगा आपको, ड्रिंक्स मिलेंगी और टी हो गया, कॉफी हो गया, एंड लस्सी भी मिलेगी, और राइस और राजमा मिलेगा मुझे लग रहा है यहाँ पे, चावल और राजमा जम्मू का तो भाई एक नंबर, एक नंबर का। इसकी जो वेरायटी है बासमती की वो काफी ज्यादा फेमस है। अभी हमें क्या खिलाओगे आप? आप जो बोलेंगे अभी हम खाएंगे यहाँ पे। जनरल पाजी आपकी चॉइस पे खाएंगे, आज हम पनीर पराठा खाएंगे कि राजमा चावल, हम एज यूजुअल कहीं भी जाएंगे रोज ही खाएंगे, तो आज ये पनीर पराठा खाएंगे भाई, क्या पनीर पराठा खाएंगे और खा के फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे सुचेतगढ़ को। और शुक्र है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल गया, क्योंकि भूख बहुत जोरों से लगी हुई थी। और आप लोग भी आके यहाँ पे आराम से खा पी सकते हो, टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे सब अवेलेबल मिलेगा भाई। अभी वीडियो बनाने का टाइम है नहीं है क्योंकि भूख बहुत जोरों से लगी है। ये आगे अपने पनीर पराठे, और बस आपको दिखाना था कि पनीर पराठे और उसके साथ दही और छोले, बस यही कुछ है सर। ये है तो पनीर पराठे, वो लग रही है नान, नाम का ही नान है। पनीर अभी मिल नहीं रहा है, इसके अंदर पनीर है, खा के पता चलेगा। सर टेस्ट कैसा लग रहा है? टेस्ट बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। तो भाई खाना पीना हो गया है और पनीर पराठे बहुत मस्त थे, और बड़ी बात के जो यहाँ पे दही मिला ना बहुत मस्त था, और मजा आया, याद आई और घर का स्वाद था। तो गाइस पहुँच गए हम सुचेतगढ़ बॉर्डर, और ये एंट्री है यहाँ से, आगे रास्ता जा रहा है, आगे भी कुछ देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है और मैं अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आगे देखते हैं अगर कुछ शूट वूट कर पाए तो आपको जरूर दिखाएंगे। इस गेट से अंदर चलते हैं पहले। तो भाई जब आगे मुझे दिख रहा है ना पाकिस्तान का गेट, ये देखो आगे पाकिस्तान का,
आए थे अभी सुचेतगढ़ बॉर्डर पे। मैं हूँ, जनरल पाजी हैं, साहिद भाई हैं, और हम इस गेट से अंदर भी गए थे और लास्ट पॉइंट एंड लाइन तक गए थे और बहुत अच्छा लगा यार गाइस। ये ना एक बहुत ऑसम फीलिंग थी, बहुत ऑसम फीलिंग। पाकिस्तान का जो सामने उनका जो सिंबल है, उनका जो वहाँ पर दिख रहा है, और हम यहाँ पे हार्डली 10 या 15 स्टेप उनसे दूर हैं, और ये एक ऑसम फीलिंग। और यहाँ पे सबसे ऑसम क्या चीज है, ये फ्लैग। वाओ, कितनी हाइट है, बहुत मस्त। सो फाइनली हम वापस आ गए लास्ट बॉर्डर से, और जिस चीज़ का मुझे डर था कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो वैसा ही हुआ। उन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया कि वहाँ पे आप कैमरा लेके नहीं जा सकते। तो अभी हम वापस आ गए और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने पाकिस्तान की लैंड पे पाँव रखा है भाई, और वहाँ पे फोटो वोट बनाए, जो आपने इस वीडियो में देखे भी होंगे पीछे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बॉर्डर में? एक्सपीरियंस था, और पहली बार ना एक बड़ी अलग सी फीलिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर से 10 कदम नहीं, एंड लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे आप हमने फोटो बनाया, एंड पॉइंट वो पाकिस्तान की लैंड ही थी जिसपे हमने पांव रख के फोटो बनाया। ये गाइस ये बहुत ऑसम फीलिंग थी, और अब हम इस अपने ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। और एंड में आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि गाइस, एक ब्लॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग का टाइम लगता है, आपका आने जाने का टाइम लगता है, शूटिंग का टाइम लगता है, लग रहा है पैसा लगता है। सीधी सी बात है, वो एजाज साकिब भाई बहुत हम्बल पर्सनैलिटी हैं, जो ये चीज़ कभी नहीं बोलते हैं। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ एजाज भाई कि प्लीज़ जो भी ब्लॉग्स बनाते हैं हम उसको शेयर कर लिया करो गाइस। आपका एक शेयर से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है कि यार हम और अच्छे से काम करें, और अच्छे से चीज़ों को बना पाएं। और थैंक यू, क्या बोलूँ मैं, यही बोलूंगा कि प्लीज शेयर कर लिया करो वीडियो। और बहुत मजा आया आज, मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे बॉर्डर पे, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो गेट, बस यहाँ से एंट्री करते ही पहले तो मास्क कंपल्सरी है, उसके बाद आप कैमरा कैरी करके नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, और वहाँ पे जाके आप मोबाइल से फोटो बना सकते हो, जो मैंने इस वीडियो में डाले भी हैं। बट उसके अलावा आप वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकते, परमिशन लेके आओ तो फिर वो अलग बात है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट कभी हम परमिशन जरूर लेके आए। सॉरी, ये काम भी करना कि मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है जनरल सिंह कुरवा, प्लीज वहाँ पे मेरे को इनको फॉलो जरूर करें। और साहिद भाई आपको कैसा लगा जी बॉर्डर? भाई वो तो पूछो ही मत, क्योंकि अगर वो हम सईद भाई को उधर 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 भेज देने वाले थे, बट कोई ना, ले आए वापस। जनरल बाजी यहीं पे एंड करते हैं आज के इस व्लॉग को, और मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग व्लॉग के साथ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सो गाइस जुड़ कर लें यार, बहुत मेहनत लगती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग व्लॉग के साथ, बाय बाय बाय।